स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं और एज अ सिंपल इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके बाद भी एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसमें फॉर्मूले के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। फाइंड द अमाउंट and compound interest on rupees 6000 lent at compound interest at 5% per annum। अब देखो yearly दिया हुआ है, 6000 क्या है हमारा principal, 5% per annum ये दिया हुआ है हमारा rate of interest for one year। ये क्या है time, if the interest is payable half yearly, यानी interest कितने time fall करेगा, interest fall करेगा आपका twice a year। तो प्रिंसिपल दैट इज 6000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं पर एनम कितना है 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ ईयरली, 5 का आधा यानी कि 5/2% और 2.5%। अब कहोगे दोनों क्यों लिखा है, दोनों इसलिए लिखा है कि जो आसान पड़ेगा हम वही लेंगे, ठीक है, 2.5 या फिर 5/2 कैलकुलेशन की वजह से बस। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। अब देखो ये वीडियो का शुरुआत है तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑन 100 मैं फॉर्मूला मेंशन कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल कितना हुआ 6000 इनटू टाइम वन ही रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2.5 यानी कि 5 ऊपर 2 नीचे ले लेते हैं, ठीक है, 100 इनटू 2 5/2%, ठीक है, ऐसे 2 लेते तो भी 3000 रो उसको कट कर देता, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 30 जा 30 इनटू 5 कितना होता है 150। ये आई I1 की वैल्यू आ गई। तो I1 की वैल्यू अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट गिवन एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच वाज एट द बिगिनिंग प्लस इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि 6000 पे कितना अर्न किया 150 अर्न किया, तो कितना आ गया 6150, ये आ गया कितना है भाई, ये 6150 ये अमाउंट आ गया। और जो अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज ओनली प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर, यही होगा, कितना हो जाएगा ये आपका आएगा सेम 6150। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है, 5/2 तो 2 नीचे लिख रहा है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 2 2 से 615/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 615/4, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 153 आएगा, 15 4 60 होता है और 4 3 12 होता है, तो 153 तो आ गया, पॉइंट 30 बचेगा इसके बाद, 3 और 0 लगाएंगे तो 4 7 28 4 5 20 कितना आ गया I2 की वैल्यू 153.75 आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न इन द सेकेंड हाफ ईयर, और ये प्रिंसिपल कितना है आपका 6150 प्लस 153.75। कैसे ऐड करना था, 150 150 ऐड हुआ 6303 आ गया, ठीक है, और डेसिमल के बाद मैंने यहां 75 रिप्रेजेंट कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हम
दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दें, और दोनों इंटरेस्ट कितना है 150 फर्स्ट के लिए और 153.75 सेकंड ईयर के लिए, यानी 303.75। अब यही यहां पे माइनस करते 6000 से तो भी सेम वैल्यू आती, तो कोई चिंता की बात नहीं है, सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीस 3630 इन 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि यहां प्रिंसिपल गायब है और अमाउंट दिया हुआ है, 2 साल में ये पैसा इतना हुआ है और रेट परसेंट दिया हुआ है 10%, ये अमाउंट है, ठीक है, ये यहां पे प्रिंसिपल गायब है। देखो इसको कैसे करेंगे, जो भी चीजें मेंशन है वो सब लिखते हैं यहां पे, प्रिंसिपल नहीं है तो लेट पी बी एक्स, प्रिंसिपल को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब यहां पे अमाउंट दिया हुआ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है ना, 2 साल का है तो कितना लिखेंगे 3630, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे 10% पर एनम है तो 10% पर एनम मेंशन कर दिया। अब एक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल यानी एक्स इंटू रेट यानी 10 इंटू टाइम यानी कि 1 ईयर अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया एक्स बाई 10। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट ईयर, तो व्हाट इज प्रिंसिपल दैट इज एक्स प्लस, और इंटरेस्ट क्या है एक्स अपॉन 10। देखो 10 से एक्स मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस एक्स 11x अपॉन में 10 आ जाएगा, ध्यान से देखना फिर से, इसके नीचे 1 लगा दिया, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 10 इंटू एक्स 10x, तो 10x और 1x 11x और 10 बन जाए 10, लिख दिया एलसीएम। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 11x अपॉन में 10, तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो कि हमने क्या लिया है आपकी बात 11x अपॉन में 10 इनटू क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 इनटू 1 और यहां नीचे 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया ये 11x अपॉन में 100 आ गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में क्या था प्रिंसिपल हमारा 11x अपॉन में 10 था और साथ ही साथ क्या निकला है ये 11x अपॉन में 100, इन दोनों को मुझे क्या करना है ऐड करना है एलसीएम, जैसा कि आप जानते हो 100 ही आएगा, 10 और 100 का एलसीएम 100 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स में तो ऊपर आया 110x प्लस 100 से 100 एक बार में कैंसिल होता है ऊपर से बस 11x आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है ये 121x अपॉन में 100 आई है, और ये वैल्यू है किसकी भाई अमाउंट की एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एंड दैट अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, और यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि अमाउंट आया मेरा कितना 121x अपॉन में 100, और एक्चुअली में ये जो अमाउंट है किसके इक्वल है 3630 के, इज इक्वल टू 121x अपॉन में 100। अब कितना इजीली यहां से तुम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, 3630 इनटू 100 अपॉन में 121। मुश्किल लग रहा है कट करने में, मैं बता रहा हूं 3 टाइम्स में कट कर दो और जीरो लगा दो, कैसे 100 से 3 टाइम में 300, 21 से 3 टाइम में 63, तो 3 टाइम्स में कट हो गया और ये आंसर आपका कितना आ गया 3000। देखो क्वेश्चन डिफरेंट था लेकिन आंसर आपको मिल गया कि 3000, ये क्या है आपका 3000 इज द सम ऑफ मनी व्हिच अमाउंटेड टू 3630 विद इन 2 इयर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम।
नेक्स्ट है कि आपका कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के लिए ऑन रुपीज इतना इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10%। तो पहले तो एक सवाल यहाँ पे है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, ठीक। टाइम एंड ड्यूरेशन पूरा 3 साल का है। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमें निकालना है। वन बाई वन कैलकुलेट करते हैं, सारे आंसर हमें मिल जाएंगे मिडिल में ही, और एक लास्ट में मिलेगा थर्ड ईयर के लिए। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास है ये 8,000 रुपीज। टाइम ड्यूरेशन कितना है टोटल 3 ईयर्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेंशन है वो 10% पर एनम है, पर एनम दिया रहता है और ईयरली क्वेश्चन रहता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो सब बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। हमने आपको बताया है जब भी एग्जाम जब भी टेस्ट में क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला हर एक स्टेप पे लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम लोगों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग होगा यहाँ पे अभी हम लोगों के लिए। कितना आ गया ये 800। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल व्हाट एवर इट वॉज इन बिगनिंग प्लस इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज इक्वल टू 8,000 प्लस 800, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8,800। नाउ इंटरेस्ट नॉट, फर्स्ट आई हैव टू मेंशन प्रिंसिपल ना। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दैट इज इक्वल टू 8,800। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में हाउ मच 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल एंड दिस केम 880 रुपीज। क्या यही पूछा था, कैलकुलेट द सीआई फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 8,000, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए सिर्फ पूछा है तो क्या हो जाएगा 880। दो साल का पूछता तो 880 में 800 ऐड करते, लेकिन फॉर द सेकेंड ईयर है तो सिर्फ 880 ही होगा हमारा। ये आपका आंसर पहला आ गया, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड व्हाट इज हियर 8,800 पिछली बार का था और अभी 880 मैंने ऐड कर दिया, तो 88 कितना होता है 16 का 680 कर दिया और ये कितना आ गया 9,000 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो 80 ऐसे ही 800 के साथ मैंने लिख दिया, फिर 88 16 का 6 लिख दिया, 81 कैरी 9 लिख दिया यहाँ पे। आप भी इतने ही, आप ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है कुछ इसमें, मतलब डायरेक्टली मतलब आपके सामने ही सारा कैलकुलेशन चल रहा है। अब क्या निकालना है मुझे, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड दैट इज इक्वल टू 9,680। इधर कर लेते हैं, स्पेस है। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर दैट इज 9,680 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1 अपॉन में हाउ मच 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 968 आ गया ये हमारे पास। तो व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर एंड इंटरेस्ट अर्न इन थर्ड ईयर। जितना प्रिंसिपल है यानी 9,680 उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, यानी कि 968 की बात हो रही है, ऐड कर दीजिए कितना आएगा 8,864 का 4 और 9,615 16 का 6 9 1 10 10,648। दिस इज ओनली द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा लिखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहीं भी अगर ज्यादा देर से जा रहे पॉज करके देख सकते हो, रिमाइंड करके देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सारे ऑप्शन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 80,000। चलो कीमत बढ़ा दे, पिछली बार 8,000 था इस बार 80,000।
3 years टाइम वही रहने दिया, फॉर 3 years आर, इफ द रेट्स फॉर 3 years आर 4%, 5% एंड 10%। क्या ही दिक्कत है इसमें, दिक्कत कुछ नहीं है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक सक्सेसिव ईयर के लिए हम अलग अलग मेंशन करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ चल रहा है, 80,000 टाइम ड्यूरेशन हाउ मच 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 4%, R2 5% एंड R3 दैट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, कहीं भी भूलना नहीं है, हर जगह पे हम लोगों को याद रखनी है ये चीजें। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल टू 80,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 × 1/100। देखा, पहला R1 लगा दिया 4%, 4% तो 0 से 0 कैंसिल, 8 × 4 = 32, 3200। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में कितना अमाउंट आएगा, जो प्रिंसिपल गिवन था प्लस इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है फर्स्ट ईयर का, वो दोनों ऐड करो। प्रिंसिपल कितना है 80,000 प्लस 3200, यानी ये आया 83,200 आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखना है, इन प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है कोई नहीं, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर वो वही होगा जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर के लास्ट में, किसके फर्स्ट ईयर के लास्ट में, और ये कितना है 83,200 है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 83,200 इंटू 5 × 1/100। देखो कोई गलती तो नहीं की, नहीं 4 लगाया फिर उसके बाद अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5, फिर 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 को, 160 आता है, और 5 से 800 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 40 आता है, नहीं अलग आएगा, कैलकुलेशन कर लो भाई, देखो 5 × 2 = 800 था, 32 था, 160 था, अच्छा यार रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस है ना इसीलिए नहीं आ रहा, 5 × 2 = 10 का 0, 5 × 3 = 15, 16 का 6, 5 × 40 और 141, 4160 आ रहा है। हाँ तो देखो 5 × 8 = 40, 4000 हो गया, और 32 × 5 कितना हुआ 160 हो गया, तो भी आ गया आपका इंटरेस्ट। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न इन द सेकेंड ईयर, कितना आ रहा है 83,200 प्लस 4160 कितना हो जाएगा, तो देखो 160 और 200 कितना होता है 360 रुपए हो गए, 200 और 160 रुपए, 360 ये 3000 है, ये 4000 है, तो कितना हो गया 7000 और ये कितना है 8, तो 87,360 ये आ गया आपका। आप क्या निकालना है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर ये वही है जो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, अरे सॉरी अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है, तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 87,360 × 10 × 1/100, ये नहीं भूलना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए डिफरेंट है, कितना आ जाएगा 8736 आ गया बस। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना है 87,360 प्लस करना है 8736 कितना आया 6906819 कितना आ जा रहा है 96,096 कोई गड़बड़ की क्या 6910 का 0 और 15116 का 6 और 819 ठीक है ये इतना आ गया। क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट आई निकालना है सी आई तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच वाज गिवन तो फाइनल अमाउंट 96,096 माइनस 80,000 यही तो था प्रिंसिपल
और 80,000 और ये 96,000 है, यानी कि 80,000 माइनस कर दो, 16,000 पहले आ गया और जो बचा है ये, तो कितना आ गया हमारा आंसर 16,096, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। अ मैन बोरोज रुपीज 6,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इतना पैसा बोरो किया, उधार लिया किसी से 6,000। इफ ही रीपेज रुपीज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, लेकिन हर साल के आखिर में करता क्या है कि 1200 रुपए वो रीपे कर देता है, तो फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग है, अगर थर्ड ईयर का बिगनिंग पूछ रहा है मतलब सेकेंड ईयर का जो लास्ट अमाउंट होगा वही थर्ड ईयर के लिए बिगनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। प्रिंसिपल 6,000 मेंशन है और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। रीपे करता है, ये याद रखना है, रीपेस कितना 1200 है ना पर ईयर, ठीक है, एक साल के बाद ही करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, टाइम दिया है टाइम नहीं दिया है ना, ईयरली पूछा है, थर्ड ईयर के लिए पूछ रहा है, सेकंड ईयर का लास्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6530, एक और जीरो लगा 300। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन That is 6,000 plus 300 and it is equal to how much? 16,300 आ गया। फिर इसके बाद principal for the second year is equal to amount at the end of first year और ये कितना है 16,300। तो इसका मतलब हमारा interest किस पे calculate होगा 16,300 पे 5% के according 1 year के लिए upon 100, 0 से 0 cancel। हाँ, अब यहाँ पे 5 3 15 5 6 30, 315 रुपए हो गए, ठीक है, डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई किया 300, यहाँ पे 3 पड़ गया 5 3 15, तो 300 प्लस 15 315। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, यानी 6300 में 315 हम ऐड करेंगे और ये 6615 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है इसने, इसने पूछा था कि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी, रीपे नहीं किया है ना, ठीक है, यहां पे 6300 था ना, यहीं पे देखो, देखो ऐसे ही गलती होती है भाई, हम लोगों से भी होती है, तो एर इज ह्यूमन है ना, हर इंसान के अंदर है भाई कि वो गलती करता ही है। तो यहां पे एक और स्टेप ले जाएंगे और वो क्या होगा, रीपेड 1200, तो देयरफॉर अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपेमेंट, कितना पैसा बचेगा रीपेमेंट के बाद, तो देखो 6300 में से माइनस करना है हमें 1200, कितना आया 100 रुपए, पहले तो 300 रुपए में से 200 माइनस कर दिए 100 रुपए और ये 5100। अब प्रिंसिपल कितना हुआ फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 5100, जो अमाउंट यहाँ पे रीपेमेंट के बाद बचा है वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 5100 इंटू रेट 5 ही है इंटू टाइम अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 5 5 5 25, 255 रुपए, 255 रुपीज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, और ये कितना है, ये है आपका 5100 प्लस 255, और ये कितना आएगा,
100 और 255 कितना हो गया 355 और ये कितना आया 5355। अब यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट था वो गलत था, मैंने कहा जो एंड में आएगा वही स्टार्टिंग में होगा, जो एंड में आएगा पहले उससे 1200 माइनस करेंगे तब वो बिगनिंग के थर्ड में, थर्ड ईयर के बिगनिंग में जाएगा। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना आफ्टर रीपेमेंट, और रीपेमेंट भी कितना 1200 रुपए का रीपेमेंट, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू हाउ मच 5355 माइनस 1200 कितना आया 4155। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट और थर्ड ईयर ना, एंड दिस वन इज इक्वल टू 4155। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन हम लोगों को आसान लगते हैं लेकिन देखो एक गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रमेश इन्वेस्टेड 12,800, ये जो है उसने इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% के रेट पे उसने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर एनम लग रहा है। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, भाई पहले साल के आखिर में जो अमाउंट है वो पूछ रहा है। इंटरेस्ट अर्न्ड इन द सेकेंड ईयर ये पूछ रहा है। टोटल अमाउंट ड्यू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी पूरे 3 साल का जो फाइनल अमाउंट है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो पूछ रहा है हमसे। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रिंसिपल जो कि मेरा 12,800 है। टोटल टाइम जिसके लिए कैलकुलेट करना है दैट इज 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 10%। सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, चलो वन बाई वन निकालेंगे, अपने आप आ जाएगा। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 12,800 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 100। अच्छा मोस्टली ना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी आसान दिया है, मे भी आगे देखते हैं कि कुछ टिपिकल हो या ना हो, लेकिन ऐसे तो बस समझने के लिए, अगर समझ में आ गया तो फिर क्या ही दिक्कत है। 1280। अब देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग मुझे कम लग रही है और आप अब इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर जो कि बिगनिंग में था प्लस इंटरेस्ट अर्न्ड इन द फर्स्ट ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकल रहा है वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, और ये इक्वल होगा जो प्रिंसिपल गिवन था प्लस जो इंटरेस्ट अर्न हुआ पहले साल में। कितना हो जाएगा ये 12,800 प्लस 1280 हो जाएगा। अब खुद ही देखो 280 है और यहां 800 है, तो 8 में 200 1000 हो जाता है, यानी सिर्फ लिख सकते हैं 60। तो जब यहाँ पे 8 टू 10 हुआ तो 2131 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाना चाहिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाने से पहले भी यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 14,060 मैं क्लियर लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 14,060। ऐसे भी कैलकुलेट करो, देखो 80। ऐसे भी कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे 2800 और 1200 कितना होता है 4000 होता है, और ये 80 ऐड कर दो तो 4080 हो गया, और इधर 10,000 का चल ही रहा था तो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, हाँ ये आंसर हमको मिल गया, ये हमारा पहला आंसर है, क्योंकि यहां पूछा था सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो हमको मिल गया। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 14080 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, अगेन 0 और 0 कैंसिल हो गए नीचे से ऊपर वाले,
और 1408 आ गया मेरे पास इंटरेस्ट। तो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर एंड इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। यानी कि हमको क्या ऐड करना है 14080 में, क्या ऐड करना है हमको 1408। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ये सिंपल हो जाए। तो कितना आ जा रहा है मेरा 15488 आ जा रहा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अच्छा एक और आंसर मिला भाई कहीं पे, कौन सा इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में ये इंटरेस्ट उसने अर्न किया है। दूसरा आंसर भी मिल गया, थर्ड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा प्रिंसिपल जो कि 15488 है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इनटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। जीरो यहां पे जीरो से जीरो कैंसिल किए तो डेसिमल यहां पुट कर देंगे और ये 10 कैंसिल, 1548.80 आ गया। अब अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, और इसके आगे कैलकुलेट करना नहीं है, तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, और ये किसके इक्वल होगा 15488.00 1548.80, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल और ये रहा आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, दोनों को आप ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा 80 पैसे, 8816 का 6, 12113 का 3, 54910 का 0, 6 का 7। कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं हम। और ये कितना आ जा रहा है 8816 का 6, 12113 का 3, और 13 का 3 आ गया 5499, और इधर का भी कैरी है 10 का 0, 51617, और ये आ गया 17,036.80। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे 15,000 में 1500 है तो 400 इतना 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 और 36 पे एक्स्ट्रा जाएगा, और ये 1500 अगर 15 में ऐड करेंगे 17,036, ठीक है। आंसर मैच कर लेना आप क्या आ रहा है आपका, और ये आईसीएसई 2007 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 1.5 ईयर्स। ये देखो प्रिंसिपल है मेरा, ये टाइम है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, लेकिन इंटरेस्ट लग कैसे रहा है हाफ ईयरली, यानी कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट फॉल करेगा 2 times फॉल करेगा, यानी 1.5 ईयर में कितने टाइम्स 6 मंथ पे तो 3 times फॉल करेगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम टोटल 1.5 ईयर। अच्छा यहाँ पे देखो 10% पर एनम लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली भी लिख दिया, पर एनम का हाफ कर देंगे। अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 8,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/100 में 100, और यहाँ पे आई वन में भी ये किसके लिए है फर्स्ट हाफ ईयर के लिए है, ठीक है। आई वन किसके लिए फर्स्ट हाफ ईयर आधे साल के लिए 85,040 यही आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा 400। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर ठीक है इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल वॉट एवर इट वॉज गिवन प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, और ये कितना आ रहा है 8,000 दिया था और 400 कैलकुलेट हुआ
टोटल 8400 आ गया। अब इसको लिख देने की वजह से ना एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है मुझे, मैं डायरेक्टली यहां पे आई टू लिख दे रहा हूं, यानी फॉर सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा 8400 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 जा 4400, 5 जा 2420, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, है ना, एंड में भाई यहां पे भी कहां आ रहा है एंड में, है ना, साल के एंड में मतलब आधे साल के लास्ट में, इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर के लिए, ठीक है, थर्ड हाफ ईयर के लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। कितना आया है ये 8400 प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, 420, 8400 प्लस 420 और ये कितना आएगा 44820 और ये कितना है 8000 है, 8820। इस पे क्या लगाएंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर के लिए, है ना, आप पूरा लिखना इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर कितना लिखेंगे 8820 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में कितना लिखना है 100, ठीक है, 5 ones are 5 20s are, 0 से 0 कैंसिल, 2 ones are 2 441, कितना आया 441। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन एंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हो निकलेगा, I1 I2 प्लस I3, फाइनल अमाउंट निकाल के क्या जरूरत है, जब मुझे पता है कि ऐसे भी आ सकता है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर ले। अब रुपीज 41 20 61, रुपीज 444 1200, बस हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में है कि मिस्टर दुबे बोरोस रुपीज 1 लाख, अभी थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा, फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ओ भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सारा सिस्टम चल रहा है अभी, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11% का, ठीक है, ही रिपेज रुपीज 41,000, आपकी नहीं बोलना है इसको, एकदम नहीं बोलना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 47,700, ओ यहां पे रीपेमेंट भी अलग अलग किया है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर अलग पेमेंट किया, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, भाई सेकंड वाले के रीपेमेंट के बाद जो अमाउंट बचेगी वही थर्ड ईयर के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, ICSE 2009 का क्वेश्चन है। तो अब यहां पे प्रिंसिपल कितना है 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, और कुछ है कुछ टाइम नहीं है, थर्ड ईयर के लिए दिया हुआ है। हाँ एक चीज याद रखनी है, रीपेमेंट पहला वाला जो दिया है 41,000 का है और रीपेमेंट जो सेकंड है दैट इज इक्वल टू 47,700। इसीलिए जो पहले का 15 मिनट दिया होता है ना, पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप पढ़ लो, और ताकि आप जब करो तो जल्दबाजी ना हो, यहाँ पर मैं भी कभी कभी जल्दी कर दे रहा हूँ इसीलिए दिक्कत हो जा रही है। 1 लाख रुपीज है, 5 zeros होंगे भाई, 11% के हिसाब से इंटू 1 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 zeros बचे तो कितना आ गया 11,000। अमाउंट आया कितना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पी नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी रिपेमेंट करेंगे हम, यहां पे गलती नहीं करेंगे अब की बार, प्लस 11,000 कितना आ गया 101 ने, 111 आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 1 लाख के लिए हो गया, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट पूरा लगा तो 11 ये आ गया। अच्छा अमाउंट आउट
outstanding after repayment of 41,000 is equal to total amount due 1,11,000 minus 41,000 कितना आ जाएगा आप बताओ। देखो इसका 11,000 इसका 11,000 कैंसिल करते हैं, इसका 11,000 कैंसिल करेंगे ये 1,00,000 हो जाएगा, इसका 11,000 कैंसिल करेंगे 30,000 हो जाएगा। अब 1,00,000 में से 30,000 माइनस करो तो कितना आ गया 70,000 बता के लिखना जरूरी है। और यही प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो, अरे सॉरी सेकेंड ईयर 70,000 हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर है इस पे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट करते हैं 70,000 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 11 7 जा 7700, यानी कि जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज इक्वल टू 70,000 में ऐड करेंगे 7700 ऐड करेंगे तो देखो 77782 यही आएगा भाई। 4 डिजिट थे, 4 जीरोस थे, 4 जीरोस हटा के 4 डिजिट डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ 47,700 यही है ना, that is equal to 77,000 minus 47,700। अभी फिर से देखो यहां पे 7700 कैंसिल हो गया, 70,000 और 40,000 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 30,000 बस। और यही आपका आंसर है, यही वो अमाउंट है एंड वो आउटस्टैंडिंग, ये वो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है ये अमाउंट रह जाएगा। और जिस हिसाब से ये पैसा चुका रहे अगले साल तो पक्का है कि पूरा फाइनल कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निकिता इन्वेस्ट रुपीज 6,000 फॉर 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 2 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया है 6,000 को, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट अमाउंट टू रुपीज 6,720। अच्छा एक बात आपको जनरली ऐसे ही बताना चाहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना बस यहीं तक रहता है, बुक्स में मिलता है इतना हैवी हैवी इंटरेस्ट है ना, खाते में नहीं मिलने वाला इतना, कैलकुलेट करना है। अच्छा ये इट अमाउंट्स टू 6,720, 6,000 इन्वेस्ट किया हो गया 6,720, कैलकुलेट करो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है और अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अच्छा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही ये अमाउंट हो गया है, अच्छा इसीलिए वो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमसे पूछा है, ठीक है कोई नहीं। प्रिंसिपल कितना है हमारा 6,000 है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देखो ये लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत हमको ना हो। प्रिंसिपल लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, टाइम 2 ईयर है लिख ही देते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 साल तक जाना ही है हमको। हाँ तो यहाँ पे मुझे क्या नहीं पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर परसेंट ही रहने देते हैं। x क्या लिखना, x तो x है उसके बाद नेक्स्ट है। हाँ तो यहाँ पे r को मैंने क्या लिखा, r परसेंट ही रहने दिया। अब यहाँ कैलकुलेट किया इंटरेस्ट जो कि प्रिंसिपल इनटू रेट यानी r परसेंट इनटू टाइम यानी 1 ईयर अपॉन में कितना हो जाएगा 100, कैंसिल किया यानी कि 60r ये हमारा क्या है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना आया 60 आ गया। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 6,000 जो कि पहले एक बार स्टेटमेंट यहां लिख दें
क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना है हमारा प्रिंसिपल 6000 प्लस 60 आर। और मुझे पता है कि ये जो A1 है इसकी वैल्यू कितनी है 6720 और ये इक्वल है किसके 6000 प्लस 60 आर के इक्वल है। तो 6720 माइनस 6000 इज इक्वल टू 60 आर। ये दोनों माइनस होंगे तो 720 आ जाएगा और मैं 60 आर इधर लिख दे रहा हूं। आर की वैल्यू 720 अपॉन में 60 से 0 और कितना आया 12%। कितना परसेंट आ गया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट जो निकला है ये आपका सेकेंड ईयर के लिए ये जो अमाउंट है ना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑनली इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर और ये कितना है 6720 है। तो 6720 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे अभी निकला ना कैलकुलेट होके निकला 12% इंटू 1/100। यहां 0 से 0 कैंसिल करो और बाकी सब छोड़ दो क्योंकि 10 के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा एलसीएम अब वो सॉरी डेसिमल लगा देंगे। 12 2 24 टू कैरी है 6 लिख दिया तो 8 कैरी है और 12 6 72 और 8 कितना होता है 80 और अपॉन में क्या है 10 यानी कितना हुआ 806.40 पैसे हो गए। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है इंटरेस्ट निकल चुका अमाउंट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर और इंटरेस्ट जो अर्न हुआ सेकेंड ईयर में तो 6720 यही है मेरा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए 806.40 मैं इसमें ऐड कर दूंगा और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 46215 617 कितना आ गया 7526.40 पैसे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन में है मिस्टर कमल है वो बोरो करते हैं कितना 15000 कितने साल के लिए 2 साल के लिए 2 years प्रिंसिपल मिल गया टाइम भी मिल गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स आर 8% एंड 10% अलग अलग दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए। इफ ही रीपेज ₹6200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले साल के आखिर में ये पैसा उन्होंने क्या किया चुका दिया। फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो आएगा बस वही वहां पे कोई रिपेमेंट तो होना नहीं है तो जो कीमत आएगी बस वो हम लिख देंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एक ही बार रिपेमेंट होगी सेकेंड वाले में आंसर। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे 15000 का टाइम 2 years के लिए दिया हुआ है चलो मेंशन कर दिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लिखते हैं 8% और R2 लिखते हैं हम यहाँ पे 10% और दोनों एक एक साल के लिए है और रीपेमेंट भी भाई यहाँ मेंशन कर दो कि रीपेमेंट हो रहा है 6200 का और सिर्फ एक रीपेमेंट हो रहा है यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने मेंशन कर दिया कि सिर्फ एक रीपेमेंट हो रहा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट 8% लिखना इंटू 1/100 में कितना हो जाएगा 100 जीरो से जीरो मल्टीप्लाई 15 8 120 और 120 के साथ एक और जीरो है यानी 1200। तो अमाउंट फॉर द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपेमेंट करना है तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो दिया था प्लस इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया यानी 15,000 रुपीस पे हमने अर्न किया है 1200 यानी 16,200 अर्न हुआ। यहां पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालते हैं आफ्टर रीपेमेंट ऑफ
60,200 and that is equal to 16,200 minus 6,200. कितना आसान कैलकुलेशन दिया है, मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस में 10,000 ये बच गया आपका। अब ये जो 10,000 बच गया, यही प्रिंसिपल हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इनटू रेट क्या लिखोगे, 10 लिखेंगे इस बार, इनटू 1/100। जीरो से जीरो कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल, कितना आया 1000 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब यहां पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, यानी कि 10,000 यही तो अमाउंट है, यही तो बचा हुआ है। अब इससे क्या मतलब, अब क्या बचा है 10,000, अब प्लस 1,000 कितना आ जाएगा, ये 11,000, यही पैसा है जो कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस, अभी 5 क्वेश्चंस और लेफ्ट हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।